लेकिन लखनऊ में एक दंपत्ति के पासपोर्ट को लेकर धर्म की राजनीति शुरू हो गई थी और इस मुद्दे को लेकर के विवाद में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ट्विटर पर ट्रॉल हो गई। इस ट्वीट पर सुषमा के खिलाफ भाजपा समर्थक ही भड़क गए और उन्हें ट्रॉल कर दिया। वहीं कई जगह उनके खिलाफ आपत्तिजनक भाषा भी इस्तेमाल किया गया है। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि भाजपा के किसी मुद्दे को लेकर के कांग्रेस ने समर्थन किया हो। कांग्रेस ने बकायदा ट्वीट करते हुए उन ट्रॉलर्स को जवाब दिया है। आपको बता दें, ट्रॉलर्स को जवाब देते हुए सुषमा स्वराज ने लिखा है कि मैं 17 से 23 जून के बीच भारत से बाहर थी। मेरी गैर मौजूदगी में क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। खैर, मैं कुछ ट्वीट से बहुत सम्मानित महसूस कर रही हूँ। मैं उन ट्वीट्स को आप सभी के साथ साझा कर रही हूँ, इसलिए मैंने उन्हें लाइक किया है। दरअसल मामला यह है कि तन्वी सेठ नाम की महिला ने आरोप लगाया था कि यूपी की राजधानी लखनऊ पासपोर्ट कार्यालय में तैनात अधिकारी विकास मिश्र ने उनके साथ धर्म के आधार पर भेदभाव किया था, जिसके बाद से मामले ने राजनीतिक रूप ले लिया। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।